मॉर्निंग। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में ना मैंने अभी आपको जस्ट एक प्रोग्राम मैंने आपको बताया था कि टू न्यूमरेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। अब ना इसके अंदर मैं आपको स्विच कंडीशन के बारे में बता रहा हूं। व्हाट इज स्विच कंडीशन? स्विच कंडीशन इन जावास्क्रिप्ट, स्विच कंडीशन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो स्विच कंडीशन होती है आपके पास, जो स्विच स्टेटमेंट होती है, द जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। मतलब वन कोड फ्रॉम मल्टीपल एक्सप्रेशन, जिसमें काफी सारे आपके पास एक्सप्रेशंस दे रखे होंगे, मल्टीपल एक्सप्रेशंस, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक else if स्टेटमेंट। ये मतलब else if स्टेटमेंट की तरह ही होती है, दैट वी हैव लर्न इन प्रीवियस पेज, बट इट इज कन्वीनियंट एंड इफ else if, ये उससे ज्यादा इजी होती है बिकॉज इट कैन बी यूज विद नंबर्स एंड कैरेक्टर्स, क्योंकि इसमें नंबर्स और कैरेक्टर के साथ भी डील कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स कैसे होगा, यहां पे आपने क्या किया, स्विच कोई भी आप इसके अंदर एक्सप्रेशन दोगे, एक्सप्रेशन कर्ली ब्रेसेस, यहां केस वैल्यू आपने क्या कर दिया, वन, ठीक है। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, फिर इसको आपने क्या कर दिया, ब्रेक। फिर यहां पे आपने केस वैल्यू क्या दे दिया, टू। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, फिर ब्रेक, ठीक है। फिर लास्ट में आप क्या काम करोगे, इसमें हम डिफॉल्ट कंडीशन को हम यूज करेंगे। डिफॉल्ट में हम कॉलन साइन का यूज करेंगे और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अबव वैल्यूज आर नॉट मैच, अगर आपकी वैल्यू ऊपर से किसी से भी मैच नहीं करती, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट वाले पार्ट के अंदर आएगा। तो इसका भी हम एक सिंपल सा, देखो मैं आपको इसमें जो है प्रोग्राम करवा देता हूं इसका। स्विच कंडीशन को देखो आप कैसे अप्लाई करोगे, इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आपने यहां पे क्या लिया, स्विच, ठीक है। अब यहां पे आप कुछ भी ले लो, ग्रेड ले लो, जैसे आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, अगर आप यहां पे केस ए देते हो, रिजल्ट बराबर क्या शो करे आपके पास, ए ग्रेड। इसको आपने ब्रेक कर दिया। अगर आप ऐसे केस बी देते हो, आप रिजल्ट बराबर आपने क्या दिया यहां पे, बी ग्रेड। इस केस को भी आपने ब्रेक कर दिया। अगर आप ऐसी केस सी लेते हो तो यहां पे क्या शो करे आपको, रिजल्ट बराबर है सी ग्रेड। इसको भी आपने ब्रेक कर दिया। फिर डिफॉल्ट रिजल्ट बराबर आपको क्या शो करे, नो ग्रेड। यहां पे आपने क्या दे दिया इसका, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट, और यहां पे आपने क्या किया, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। तो ये जो आपके पास एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया आपके पास और सिंटैक्स हो गया स्विच कंडीशन का।
ठीक है, कि अगर स्विच कंडीशन में आपके पास आ जाए कोई भी प्रोग्राम, तो हम किस तरीके से स्विच के अंदर, इसमें जो स्विच होता है और जो केस होता है आपके पास, स्विच हो गया और ये जो आपके पास इसमें केस हो गया, ये सब आपके पास क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। स्विच और केस, ये सब क्या है आपके पास, कीवर्ड्स। ठीक है, तो कंडीशंस के अंदर आपके पास जो कौन कौन से प्रोग्राम इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपने तैयार करने, एक तो फाइंड द नंबर इज, ये आप घर पे, आप जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आप घर पे से करके देखिए, फाइंड द नंबर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, फाइंड द नंबर इज इवन और ओड, ठीक है, फाइनल नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, फाइनल नंबर इज इवन और ओड, फाइंड द ग्रेटर वन बिटवीन टू नंबर्स, और थ्री नंबर्स में भी ग्रेटर का आ सकता है, उसमें आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। मतलब ये प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट है, एक जो आपके पास स्विच कंडीशन में आ जाएगा, एक आप प्रोग्राम जो है ये आप तैयार करके देखिएगा घर पे, इस अकॉर्डिंग लिखिएगा, फाइंड द अल्फाबेट इज वोवल और कंसोनेंट। ठीक है, ये चार प्रोग्राम की मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, ये होमवर्क दे रहा हूं, आपने इन चारों प्रोग्राम्स को बना के देखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। आप इसे घर पे कॉपी पे पेन पे आप बना के देखिए, ठीक है, मुझे आप ये व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स मेरे को ये। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट में इफ कंडीशंस का हमने डिस्कस किया, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू स्टूडेंट।